कि रोटी का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, रोटी के साथ बहुत सारी चीजों का जुगाड़ हो जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में रोटी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और रोटी को जो समझ गया कि रोटी होता क्या है, वो जिंदगी में निश्चित तौर से बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। यहाँ पे रोटी की मीनिंग को आप देखने की कोशिश करो तो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, यानी आप अपने जो टाइम है उसका रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो समझ जाओ आप एक अच्छे रोटी की व्यवस्था कर रहे हो। सेकंड पार्ट में हम छोटे छोटे पार्ट है, वो छोटे पार्ट में लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा। सेकंड देखिए, हर इंसान रोटी के साथ साथ यहाँ जीते बैठे हम क्या कमाना चाहते हैं, इसको कई बार मैंने बताया बट आज थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। कैश में सी करियर, करियर आपका तभी बनेगा, सी करियर आपका तभी बनेगा जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो करियर बनेगा। स्किल अगर आपके अंदर होगा तब आपके पास में कैश आएगा, और साथ में स्किल के साथ क्या जरूरत है, हैबिट। लेकिन पहले सी के लिए मैं नॉलेज को भी उपयोग में लाया हूं कि करियर सी से बोल सकते हो या के भी बोल सकते हो, K-A-S-H भी प्रोनाउंस करोगे तो कैसी होगा। तो के मतलब नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट। अगर ये चीज हो तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। यानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ड वर्क। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऑर्डिनरी से कहां बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिक्स है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप तभी जाएंगे जब आप साथ साथ में क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क। तो आज से आपको क्या करना है, हार्ड वर्क। बड़ा ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इमोशनल और प्रैक्टिकल। जब हाईली इमोशनल तो कोई डिसीजन नहीं, जब बहुत ज्यादा इमोशनल, जिस समय डैम रूप से इमोशनल, उस समय कोई भी डिसीजन मत लेना। जब बहुत ज्यादा व्यथित हो उस समय अगर कोई डिसीजन लोगे तो 100% वो रॉन्ग डिसीजन जाएगा। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो भी समझ जाना मेंटल हो जाए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको कोई चीज से फर्क पड़ता है, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। तो इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, कितने लोग हैं जो डीमोटिवेटेड होते हैं, डीमोटिवेटेड हाथ ऊपर करो, जो डीमोटिवेटेड जोर से हाथ एकदम ऊपर तक हाथ ऊपर करें, पीछे लड़के ज्यादा डीमोटिवेशन। डीमोटिवेटेड कब होते हैं, जब आप डीमोटिवेटेड होंगे ना तो आपका साथी मोटिवेटेड होगा। एक पार्टी से मान लो दो जने, एक डीमोटिवेटेड होगा दूसरा ऑटोमेटिक आपको, जैसे कई बार क्या होता है जब डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं, अपना खुद का खुद से डीमोटिवेटेड कई बार होने लगता है, पढ़ रहे हैं अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब पूरे जितने लोग एग्जामिनेशन दिए सभी फेल हो गए, पूरा इंडिया फेल होगा तो डीमोटिवेटेड होंगे क्या। एग्जामिनेशन दिए, सीए का एग्जामिनेशन हुआ या सीएमए का एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट निकला इंडिया रिजल्ट जीरो, कोई भी डीमोटिवेटेड होगा क्या, साल भर पढ़ाया पूरे साल भर पढ़ने के बाद में एक जन भी पास नहीं हुआ पूरा इंडिया में, तो कोई डीमोटिवेटेड होगा क्या। तकलीफ कब होती है, जब एक मोटिवेटेड है हम, और कई बार क्या होगा आप भी दूसरे के डीमोटिवेशन का पार्ट बनते हो, साथ में चार दोस्त लोग एग्जामिनेशन दे रहे, दो पास हो गए दो फेल हो गए, तो जो दो फेल हुए हैं उनके डीमोटिवेशन का रीजन तुम हो, क्लियर। और तुम फेल हो गए हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे डीमोटिवेशन का रीजन है, और कई बार जो जिसको देखते हो तुम्हारे मोटिवेशन का पार्ट। ये तीनों चीज तो जरूर सब लोग नोट कर लो, ये जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नोट इसलिए नहीं पढ़ पाया, दुर्गा पूजा में पंडाल में बज रहा था म्यूजिक इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये हो गया इसलिए नहीं कर पाया, मतलब हर दम कंप्लेन। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे पहला आदत कौन सा छोड़ना है, आज से ही। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर दी, मेरे पापा ऐसा कर दिए, मेरे को तो ऐसा यूज कर रहे हैं, मेरे को तो पैसा देते नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा होता, मतलब रेगुलर कंप्लेन करने की आदत छोड़। और सेकंड, कंपेयर दूसरे से, जब कभी कंपेयर करोगे हर दम दुखी होगा।
जब कभी कंपेयर करो, जिससे जिससे कभी भी कंपेयर करो, कंपेयर मत करो, कंपेयर करना है अपने आप से कंपेयर करो, मैं क्या था, कितना इंप्रूव किया और कितना इंप्रूव कर सकता हूं। अगर आप जब भी कंपेयर करना शुरू करेंगे तो एक वर्ड है, हर इंसान का बाप होता है, हर इंसान का बाप होता है। तो आप जब भी कंपेयर करेंगे, पहले आपको चाहिए 10,000, फिर चाहिए 1,00,000, फिर चाहिए 10,00,000, फिर चाहिए 50,00,000, फिर चाहिए 1,00,000, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, होने वाले नहीं है संतुष्ट। तो आप सबसे पहला क्या छोड़ेंगे, कंप्लेन करना, और सेकंड कंपेयर करना। कंपेयर बिल्कुल ना करें, आपसे अमीर हरदम पाए जाएंगे, आप जैसे थे जिस परिस्थिति से आपने अपने आप को डेवलप किया, आप खुश रहिए। कुछ न कुछ अपनी कमी को ढकने के लिए ब्लेम करना छोड़ो। ये तीन में अगर एक भी आप स्टार्ट कर लेते हो आज, तो 2 दिन की वर्कशॉप कंप्लीट। या तो कंप्लेन करने की आदत आपने सुधार ली, या तो कंपेयर करने की आदत आपने सुधार ली, या ब्लेम करने की आदत आपने सुधार ली, समझ जाओ वर्कशॉप कंप्लीट। तो सबसे पहली उधर सब्जी उगाने वाला का नाम आ रहा था, इधर एक कंपनी का नाम आएगा, मैन्युफैक्चर का नाम, राइट, बराबर ना? Yes, तो एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई, अब कंपनी को एक अलग लेवल पे जाना है, तो कंपनी क्या करेगा, अपने आप को अलग लेवल पे ले जाने के लिए, किसी मार्केट पे ले जाने के लिए, किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, वो कॉन्टेक्ट करेगा किससे, ब्रोकर से। वो कॉन्टेक्ट करेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, सेबी को, कि मेरी कंपनी की ये प्रोफाइल है और मैं अपने कंपनी को इस ग्लोबल मार्केट पे उतारना चाहता हूं और मैं अपने कंपनी को बड़ा भी करना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए पैसा। अब पैसा जो शब्द है, रुपया जो शब्द है, मनी जो शब्द है, बैंक में जाओगे पैसा लेने 1,00,000 रुपए या 10,00,000 रुपए, तो बैंक में जाए पहले आपको घूट देखेगा, सिविल चेक करेगा, बोलेगा भैया 10,00,000 नहीं, मैं 15 देता, तो 15,00,000 की वैल्यू पे ना मॉर्गेज पेपर रखा, ले लो 15, तो बात नहीं बैठे हैं, कौन सी घर की खेती है, अभी दे रहे हैं आपको, दे उधर 4% इंटरेस्ट मिले रहे, हम आपको देंगे 10%, राइट ना? पर जब कंपनी लिस्ट होती है NSE पे, BSE पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो इसको मिलता है क्राउड फंडिंग, जिसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक एग्जांपल है, एक अभी एक आईपीओ आई थी, आईपीओ लॉन्च किया, तो सबसे बड़ी चीज जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत होती है आईपीओ से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, राइट, आईपीओ लॉन्च हुआ 2115 रुपए में एक शेयर, कितना जारी किया, करोड़ों। तो एक आदमी अगर एक शेयर ले रहा है तो उसकी 2115 रुपए के है, लोगों ने 10 गुना सब्सक्राइब कर दिया, ओवर सब्सक्राइब, देखना जिस दिन लॉन्च हुआ ना, उस दिन विजय शेखर डांस कर रहा था, उसके मीम बन के आया,
क्योंकि उसको मिल गया 16,600 करोड़ रुपए बिना पेपर के। अभी वो 20 लाख जाएगा मांगने बैंक वाले तो आग फाड़ के देखेगा भाई सब तेरे जमीन का पेपर है। 16,000 करोड़ तो उसकी कुछ नहीं, उसकी माँ बाप दादा का घर बार डूब जाता, लेकिन मिल गया ना। ये बड़ा शानदार शानदार गेम है बॉस। अब पेटीएम ने आईपीओ क्यों लॉन्च किया, क्योंकि उसने पूरी प्रोजेक्ट सेबी के सामने रखी, बताया नेटवर्क, उसने एक विजन दिखाया कि जो पैसा मुझे आएगा वो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा और इससे होने वाले फायदा जो होगा वो हर उस इन्वेस्टर को मिलेगा जो इसका आईपीओ का शेयर खरीदेगा ना। स्टॉक प्राइस 600 रुपए है, कितने की लिस्टिंग थी, इनिशियल पॉइंट ऑफरिंग। आईसीओ इज रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी and IPOs are related to the stock market. यहाँ तक पिक्चर एकदम क्लियर है बॉस? Yes sir. अब एक कंपनी लिस्ट हो गया तो जब हाई ले गया यार, या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या स्टॉक एक्सचेंज जो सिर्फ कैश मार्केट का काम करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज FNO ऑप्शन फ्यूचर सारे प्रकार की गतिविधियां होती है, उसमें अपन डीप क्यों नहीं जाएंगे, उतना समय हमारे पास है। अब एक स्टॉक लिस्ट हो गया किधर, एनएससी में। अब एनएससी में लिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एनएससी में लिस्ट हो गया अब हम चले एक काम करते खरीद के ले आते अपने घर में खरीद कर रखेंगे। पहले ऐसा होता था, पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 1990 के पहले बोली लगती थी, लोग बड़े बड़े ऐसा गुरु वाले मूवी देखे थे, गुरु भाई याद अच्छे लाइक दैट का गाना था ना, जो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनी हुई मूवी थी। हाँ, उस मूवी में आप 1990 के पहले का दौर था जब भारतीय स्टॉक इतना बड़ा, इतना बृहद, इतना ऐसा अनाप शनाप था नहीं, तो आदमी बोली लगाते थे भाई मेरा 10 मेरा 20 मेरा 25 मेरा बड़ा डन डन डन। उधर भी एक ब्रोकर होता था कभी पर आज भी एक ब्रोकर है। तो वो जो एनएससी में जो स्टॉक लिस्ट हुआ उसको ऐसे नहीं खरीद सकते ना। आपको कोई रिलायबल, कोई अप्रूव्ड, कोई सेबी रेगुलेटेड ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा। तो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है आपको एक ब्रिज, ब्रोकर इज अ ब्रिज जो एक्सचेंज और यूजर के बीच एक ब्रिज है। वो सारा चीज को सेटलमेंट करता है, सेटलमेंट करने के बाद बोलता है मुझे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चाहिए, आप खरीदो बेचो नफा उनसारो मेरे को इससे रत्ती भर का मतलब नहीं है, आप करोड़पति बनो अरबपति बनो श्यामा भाई का पति बनो मेरे को मेरा नोट होना। तो ब्रोकर भयंकर बड़ी चीज है। तो आप एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट, यदि आपको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट खोलेंगे। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे जैसे कुछ 4-5 आदमी आपको मिल गए जीवन में, सुन लिया अरे कल ज्ञान प्रकाश को 5 लाख कमाया कैसा क्या, तब आपने सेल्फ स्टडी चालू किया, यूट्यूब से ज्ञान लेना चालू किया, साल वो कमा सकता है अपन भी कमाएंगे, कौन कमाएंगे गया तो फिर बाप देगा मेरे का पैसा, क्योंकि ब्रोकर तो आपको मार्जिन दे रहा है। मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब है कि जेब में 10 रुपया खरीद ले 1,000 रुपए का जा। अब लोगों को क्या लगता है मार्जिन का मतलब यही तो है ना, है जेब में 10 रुपया लेकिन मैं खरीद कितने का सक रहा हूं 1,000 रुपए का। तो आदमी क्या सोचता है यार थोड़ा बड़ा खरीदते 2 रुपया का बेच देंगे। और जहां ब्रोकर को लगा कुछ लोग ब्रोकर से क्रेडिट भी नहीं लेते जो और गलत है। तो करने का क्या है बॉस, हमको सीखना भी है मार्केट, ये क्या ये समंदर है जो आपको जितना अंदर घुसेगा उतना उसको मोती मिलेगा, और जो आदमी थोड़ा अंदर समुद्र में जाने के बाद क्योंकि समुद्र की गहराई आज तक कोई
नहीं कैलकुलेट कर पाया है और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम है, कुछ लोग ट्राई किए मार्केट भी वही है, इसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है ना? तो करने का क्या है, करने का ये पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना है। पैसा कमाना इज अ सेकंड लेवल, जो पैसा बचाना सीखा वो पैसा कमाना सीख ही गया। सही बात है। तो पैसा बचाने के बाद पैसे कमाने की बात आती है, तो पैसा बचेगा कैसे? रॉबर्ट टी कियोसाकी, द रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक है, नहीं होगा तो मार्केट से खरीदना और पांच बार पढ़ना। कितने बार? पांच बार। पैसे और मनी मैनेजमेंट का सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। एक छोटी सी एग्जांपल, कोई आप लोगों को दिमाग से निकाल देना, इन्वेस्टमेंट शब्द पे ध्यान देना। एक आप काम कर देंगे और एक आपका पैसा काम करता है। एनर्जी दो जगह है, एक मैं एनर्जी दे रहा हूं आपको और एक मैं नहीं भी हूं तो भी मेरा कहीं पैसा लगा है और वो मेरे को बना के दे रहा है। तो मेहनत का कमाया पैसा और उस पैसे से कमाया पैसा इज अ रियल एसेट्स। अब मुद्दे वाली बात आती है, अरे सर आप तो बोलो कपड़े मत खरीदो, घूमने मत जाओ, बाइक मत खरीदो। करो ना, खरीदो ना भाई, लेकिन कमाए हुए पैसे से जब एक और पैसा बने उसको अयाशी करना। अपने कॉलोनी में सबसे छोटा घर अपना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 साल बाद जब घर बनेगा ना तो उस कॉलोनी में बसा कर दूसरा कोई रहेगा। लोगों ने घर बनाया ना, वो घर में सारा पूंजी लगा के डाल दिया, अब वो ईएमआई भर रहा है, हर महीने सोच रहा है सारा पैसे किधर से आ गई है, हार्ट अटैक में मर जाता है। लेकिन क्या है, हमको मालूम है अपने को पास एसेट्स पड़े ना, उसको सही जगह डाल दो 10 साल के लिए। घर को बेचोगे तो ही ना, कल बेचने के लिए कोई घर बनाता है, मेरा घर है 2 करोड़ का, मेरे को मिला तो बेचने के लिए घर बना दो, तेरे 2 करोड़ का मिलेगा, वो जीरो वैल्यू मान लो। लेकिन वो पैसा आप सही इन्वेस्टमेंट करके 10 साल बाद घर बनाओ, वो घर बनेगा ना, वो आपको रत्ती भर का टेंशन नहीं देगा, क्योंकि उसी पैसे से बनाया वो घर। तो इन्वेस्टमेंट करना तुम लोग जो केवल सर को करते हो, तुम लोग जो किसी फैमिली को करते हो, वो प्यार है, रियल लव, क्योंकि वहां पे ये अट्रैक्शन नहीं है कि ये इंसान मुझे फिजिकली मिल जाए, वहां ये अट्रैक्शन नहीं है कि इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, वहां ये अट्रैक्शन नहीं है कि काश यार ऐसा होता। और ये सब नहीं होने के बावजूद अगर तुमको मुझसे प्यार है, वो रियल लव होता है। बाकी जगह क्या होता है कि अगर कोई सुंदर लड़की दिखी तो अरे यार पास, तो वहां पर वो प्यार नहीं है, वहां पे अट्रैक्शन है, वहां पे दूसरा पार्ट है। प्यार बहुत बड़ी चीज है और वो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये हर दम जिंदगी में आता है, प्यार एक ठहराव है जो बहुत ही कम लोगों तक प्यार पहुंच पाता है। नहीं पढ़ाऊंगी, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, बस ये बताऊंगी कि स्टेज में आके तुरंत कैसे बोलोगे, राइट? क्योंकि अभी जो मेरा सेशन है दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है? लिख के याद करके कुछ नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप स्पॉन्टेनियस बोल पाओगे दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हम सभी में कॉन्फिडेंस है, सुबह से यहाँ बैठे हुए बढ़िया से, हाँ 4 बजे से,
बैठे हुए अपन सब कुछ ना कुछ चीजें सीख चुके हैं, मतलब कॉन्फिडेंस इतना तो आ ही गया होगा कि स्टेज में आके अपन अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दे। एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी अपन करेंगे बिना समय वेस्ट किए, तो वो एक्टिविटी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 15-15 का ग्रुप रहेगा, ठीक। क्या होगा, आप सभी को कोई भी शब्द सोचना है, इट कैन बी नेम प्लेस थिंग, कुछ भी, खाना पिज्जा कपड़ा कुछ भी, एनीथिंग, गाड़ी कोई भी, अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सब कोई एक वर्ड सोच लो, ठीक। अब मैं बताऊंगी ये वर्ड सोचने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी कहानी चालू करनी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कहानी में मेरा वर्ड जो है वो है फूड, क्या, फूड, खाना, फूड, ठीक। अब मुझे क्या, मेरा वर्ड फूड है, इनका वर्ड हैप्पीनेस, ऐसे ही सबका अलग अलग वर्ड होगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से समझना, यही चीज तुमको करनी है यहाँ पे, ठीक। मेरा वर्ड है फूड, तो मेरे को फूड से कहानी स्टार्ट करनी है, तो ऐसे 15-15 का ग्रुप रहेगा, तो 15 में कोई एक होगा जो कहानी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, स्टार्ट। सो बीच में लड़के लोग स्टार्ट करेगा, जैसे कि मेरी कहानी का वर्ड, मेरी कहानी का जो शब्द है वो क्या है, फूड। अब एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम, एक बहुत दूर समय की बात है, एक बहुत मोटा आदमी हुआ करता था जिसको अपने मोटापे पे कभी भी शर्म नहीं थी। क्यों, अब यही चीज हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में, कुछ लोग इंग्लिश में बोलेंगे कुछ लोग हिंदी में बोलेंगे, जिसमें भी बोलना है। तो मैं उसको दोनों बताती हूँ। अब टाइम एगो देयर वाज अ मैन, ही वाज वेरी फैट, बट ही इज नॉट अपसेट अबाउट हिज बॉडी बिकॉज ही लव टू ईट फूड, राइट। तो ये मेरी कहानी का समाप्त। हर इंसान को चार लाइन ही बोलनी है अपनी कहानी की, जहां वो वर्ड यूज हो जाए। मेरा क्या वर्ड था, फूड, चार लाइन में फूड कवर हो गया। अब इनका वर्ड क्या है, अब जहां मैं रुक गई वो कहानी वहीं से कंटिन्यू कौन करेगा, समझ में आया। तो अब मैम कैसे, क्योंकि मैम को भी नहीं पता था, तो मैं उनका रोल मैं ही प्ले कर दे रही हूँ। जैसे हैप्पीनेस इनका वर्ड है, जो कि सूख चुका था। अब कुआं सूख चुका था, उसको मेहनत तो करनी थी, उसको एनर्जी चाहिए था जो कि उसके पास था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं उस एनर्जी को यूज करूं और थोड़ी देर और चलूं। चलते चलते वो बोर हो गया। अब बोर हो गया तो उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो डांस करने लगा। वेरी नाइस। अब डांस करते करते वो थक गया। अब वो थक गया तो उसको और प्यास लगने लग गई, क्योंकि कुआं सूखा हुआ था, तो उसको याद आई फैमिली की, तो वो अपने पेरेंट्स को मिस करने लगा। पार्टी में जाने के बाद वहाँ से जब वो वापस आया तो काफी मोटिवेटेड, काफी मोटिवेशन था उसके पास खाना खाते। तो वहाँ से आने के बाद वो वापिस अपनी पढ़ाई पे लग गया। जैसे ही वो घर आया तो उसके एक दोस्त का कॉल आया, जिसने कहा चलो हम एक फुटबॉल खेलने चलते हैं। अच्छा कमाया, फिर एक और में डाला, पूरे डूब गए उसकी एक्सपेक्टेशन लेकर वो खड़ा था, और वो दूध वाला और बच्चा दोनों साथ में घूम रहे थे। बच्चे को पहाड़ पे जाना बहुत पसंद था, पर लॉकडाउन को बहुत टाइम बीत गया था। जैसे ही लॉकडाउन खुला वो पहाड़ पे गया, घूम गया।
पहले इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वहां से आके यहाँ पे खड़े होकर कुछ तो बोलूं। तो ये कुछ तो बोलूं वाला थोड़ा सा दूर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. आप आगे यहाँ पे कोई भी शब्द में कोई भी चीज कोई भी लाइन बोल पाएगा क्या? Yes. तो इस एक्टिविटी का सबसे पहला तो सीख ये थी कि आप एटलीस्ट बोलने के लिए तैयार हो, क्योंकि विलिंगनेस इज इम्पोर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप करोगे। तो आपने भी अपने कम्फर्ट जोन से निकल के यहाँ पे आके क्या किया, किसी भी शब्द में बोला लेकिन बोला है, कुछ भी बोला लेकिन बोला है। अब आते हैं दूसरे लोग जो थोड़े से पहले से ही कॉन्फिडेंट थे। अब जो कॉन्फिडेंट थे उन्होंने क्या किया, कहानी को अच्छा ट्विस्ट लाने की कोशिश की, उसके अंदर कुछ जेन्युइन चीजें डालने की कोशिश की। जैसे उस बच्ची ने बोला कि पीसी में आके उसने फेलियर, मतलब उसने अपनी लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया, फिर पीसी में आए, सेमिनार अटेंड किया, तो उसने क्या किया, करंट चीजों को उसके साथ मोल्ड किया। तो ये कॉन्फिडेंस का दूसरा लेवल होता है। अब जो लोग पहले लेवल में यहाँ पे आके बोले, अब दोबारा बुलवाओगे ना तो बोलोगे अब क्या करेंगे, उसमें से लॉजिकल बातें निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस सिर्फ इतना ही होता है। बचपन से कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग वो है जो कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस एक बार में जनरेट नहीं होता, होगा कि नहीं होगा? हम फील कर लेंगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोल लूंगी, लेकिन फील करने में और बोलने में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ आज इस एक्टिविटी का मेन था ट्रांजेक्शंस देखना, क्योंकि जब भी फ्यूचर में बोलोगे, जीडी में जाओगे, कोई आपसे स्पॉन्टेनियस कुछ पूछेगा, तो आपके पास इतना दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने एक बार किया है, मैं कुछ तो बोल लूंगी या बोल लूंगा, राइट। तो अब इसके बाद जैसे मैंने कहा तीसरे लोग आते हैं, वो जिनको बोलने की आदत होती है, राइट, वो लोग सिर्फ मजे लेने के लिए बोलते हैं, वो लोग सिर्फ उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं खुश रहने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई तो सेंस नहीं था, कोई भी कहानी का कोई सेंस था क्या? तो ये कहानी क्यों खिलाएगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि वहां से उठ के जब तक यहाँ नहीं आओगे बोलने के लिए, तब तक पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, किसी के सामने भी नहीं बोल पाओगे, ठीक। अब दूसरी चीज जो हर कोई पूछता है ये एक्टिविटी के बाद, हर किसी के दिमाग में ये चीज आएगी कि हम हर बार तो हम सेंसलेस नहीं बात कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए सर लोग और बहुत लोगों ने पहले भी बताया कि प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। कहीं भी जाओगे तो टॉपिक पहले मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पता होगा ना, तो आपको क्या करना है, टॉपिक आइडिया जनरेशन का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जब भी कोई बोलने के लिए बोले तो पहले तो आप चले जाओ कि हाँ मैं बोलूंगा, जाओगे ना? Yes, सब कोई yes, तो अब बोलने के लिए जाओगे तो पहले प्लानिंग, अब देखना जो सबसे आखिरी में ग्रुप आया होगा ना, बहुत सारी प्लानिंग कर लिया होगा। तो जहाँ ज्यादा दिमाग लगा वहाँ पे कहानी क्या होती चालू होगी, बोरिंग होने चालू होगी। जितना मजा फर्स्ट दो कहानियों में आया तो उसके बाद में उतना आया क्या? तो इसलिए जब आप प्लानिंग करते हो तो बहुत सोच समझ के करना। कॉन्फिडेंस एक एक करके ही आगे आएगा। एक बार में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाएगा, एक बार में कोई स्टार नहीं बन पाएगा, तो कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. तो बोल देंगे अपन का एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा। तो हर कोई अब इसके बारे में, जैसे सर ने भी बोला, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप अपना आके इंट्रोडक्शन दे रहे हो, और यहाँ पे खड़े होकर भी एक चीज जो आपने की, सबने किसी ने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, तो कल आप लोगों को आगे फ्यूचर में और कैसे अपने अपने बोलने के तरीकों को इम्प्रूव करना है ये भी आपको बताया जाए। तो होपफुली कल का जो दिन होगा आपके लिए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला दिन होगा, ताकि जो भी स्पीकर कल आए, जो भी एक्टिविटी वो करवाए, आप कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड हुआ है और स्टॉक मार्केट की भी बेसिक नॉलेज मिली है, तो जो बहुत हेल्पफुल है। और पूरा ही सेशन बहुत ज्यादा ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट एक चीज है कि मुझे बचपन से हद से ज्यादा स्टेज फियर है, और ये मेरा पहला सेमिनार है, एंड आई एम फीलिंग गुड दैट आई डिड वेल। इतनी क्लासेस के बीच में माना बोलेगा तो ये एजुकेशनल सेमिनार है, बट स्टिल ये एक वेकेशन, एक ब्रेक टाइप फील देता है। इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब्स, बहुत मजा आया। जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान सर ने बोला कि जितना कमाओगे उससे डबल उठाना भी पड़ेगा। अभी हमारे साथ ये हो गया ना कि हर्षद मेहता और बिल्कुल देख के हमको लगा कि 10 रुपए लगाओ रुको 10 लाख बन जाएगा, पर जो रियलिटी है वो आज पता चली, तो वो बहुत अच्छा पड़ता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग सेमिनार था, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था। और एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आई है वो ये है कि हम बोलते तो वही है जो हमें पता होता है, पर सुनने की आदत डालनी जरूरी, क्योंकि सुनने से बहुत ऐसी चीजें पता चलती हैं जो हमें नहीं पता। मैं आपको एकदम, मैं कैसे आया भिलाई ये बताता हूँ, ठीक है? मैं 5वीं में प्रतिभावान छात्र था, ग्रामीण प्रतिभावान छात्र में था, ठीक है? क्या होता था कि जो आप यदि गांव में पढ़ते हो तो वहां पे जो पहले 10 टॉपर रहते थे वो ग्रामीण प्रतिभावान छात्र कहलाते थे,
तो फिफ्थ में मैं फिफ्थ तक तो बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत टाइम देता था पढ़ाई को। फिफ्थ में मैं ग्रामीण प्रतिभावान छात्र में था, फिर एट्थ में मैं शहर में आ गया पढ़ने के लिए, सिक्स सेवन्थ एट्थ खैरागढ़ आ गया, तो वहाँ पे भी मैं पहले टॉप टेन में था। फिर मैंने नाइन्थ टेंथ में मेरी दोस्ती आ गई, थोड़ी बढ़ गई, सोशल बढ़ गया, तो थोड़ा मेरा परसेंटेज कम हो गया। इलेवेंथ में फिर मैंने टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया, उस टाइम टेक्निकल स्कूल था और जिसमें आपको चार इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक ट्रेड रहता था। उस ट्रेड में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, फिटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डिंग एंड ऑल। तो और उसमें उस टाइम वो मध्य प्रदेश था, वहाँ पे जितने लोग आते थे तो मेरिट बेसिस में आपको ट्रेड मिलता था, राइट। तो मेरा मेरिट में बहुत अच्छा पोजीशन नहीं था, पहले 20 लोग को लिया गया था, तो 20 में मेरा पोजीशन रहा होगा अराउंड 10th 11th, तो आई गॉट वेल्डिंग ट्रेड, राइट। तो हर वीक में एक दिन आपको वेल्डिंग करके एक जॉब बनाना रहता था, दैट वाज प्रैक्टिकल वेल्डिंग। फिर मैंने 12th में पीटी दिया और आई गॉट 49%, और उस टाइम इंजीनियरिंग में जाने के लिए मिनिमम 50% चाहिए रहता, राइट। आई गॉट 49, देन आई डिसाइडेड टू गो इन पॉलिटेक्निक, ओके। तो दो साल का जो 12th से जाते थे उसको दो साल का पॉलिटेक्निक करना पड़ता था। तो क्या हुआ कि तो मैं फिर मुझे समझ में आने लगा कि यार थोड़ी दोस्ती यारी ज़्यादा हो गई है, अगेन आई हैव टू कम बैक फॉर माई स्टडी। ऑफकोर्स 10th में भी मेरा ठीक ठाक रहा, 70 से ऊपर रहा, 12th में भी मेरा 72 रहा, ठीक ठाक था। अभी तो ऐसा है कि आजकल के बच्चे आप लोग तो सब 90 से ऊपर लाते हैं, राइट। उस टाइम पे तीन लोग पास हो जाते थे उतने परसेंट, ठीक है। और अंग्रेजी तो हम लोग इसलिए पढ़ते थे कि 33 मिल जाए हिंदी मीडियम वाले, सबसे टफ सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम पे अंग्रेजी। तो ये रहता था भैया 33 लाना है अंग्रेजी में यार, कैसे भी करके, ठीक है। तो जब मैं डिप्लोमा करके वापिस आया तो मैंने सोचा कि बॉस क्या करें, आगे पढ़ाई करें, जॉब करें, क्या करें। तो एक दिन मैं दूरदर्शन में सवेरे सवेरे इंटरव्यू देख रहा था, अभी भी आप नेट पे देखेंगे रीता सिंह, मेट्सो ग्रुप की ओनर है वो अभी, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। तो वो इंटरव्यू में बता रही थी शी हैज हेलीकॉप्टर दैट टाइम, राइट। मैंने बोला अरे वाह यार, इसके पास हेलीकॉप्टर है, क्या करती है ये। फिर मैं पूरा बैठ के देखने लगा, तो वो बता रही थी कि हाउ शी हैज स्टार्टेड हर जर्नी, राइट। और सबसे पहले उसने अपनी डेयरी खोली थी, ठीक है, और वो डेयरी को ही मल्टीपल करते 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 वो इस लेवल पे पहुंच गई कि शी वाज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया दैट टाइम, एंड शी एक्सपांडेड हर बिजनेस इन अदर फील्ड, राइट, एंड शी हैज द हेलीकॉप्टर दैट टाइम। तो मैंने बोला डेयरी खोलूंगा मैं, मुझे भी वाला अपना हेलीकॉप्टर चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शुरू से बहुत हाईली एम्बिशियस था, हमेशा सपने बड़े देखा करता था, जेब में भले ही कुछ ना हो, ठीक है। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग फॉर टॉप, मेरा बचपन से ये मेरे दिमाग में ये था कि बॉस जब मेरे से कोई मिलने आए तो मेरे से पूछ के आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, ये मेरा एक सपना था, ठीक है। मैं बहुत ही सामान्य घर का बच्चा हूं लेकिन हमेशा बड़े सपने देखा करता था, राइट। तो भले ही मेरे पास जब मैं कॉलेज में भी गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो भले ही मैं दो या तीन कपड़े खरीदता था लेकिन उस टाइम ब्रांडेड खरीदता था क्योंकि घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उस टाइम तो हम लोग को घर में दो ही बार कपड़े खरीदवाए जाते थे, एक बार किसी की शादी में, एक बार दिवाली में, बाकी टाइम मिल गया तो बोनस रहता, राइट। तो मैंने बोला कि अब तो मैं डेयरी खोलूंगा, मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए। तो मैं अब मेरे फादर ऑलवेज, क्योंकि वो खुद प्रिंसिपल थे तो वो सोचते थे हाँ बच्चा नौकरी करे जाके और आगे पढ़े, तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे जाके पढ़ाई करो आगे, एग्जाम्स दो या नौकरी ढूंढो। तो मैंने बोला ठीक है डैड, मैं चल दिया पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में एक पंजाबी हमारे ब्रांच मैनेजर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे को पूछे बैकग्राउंड पूछे, जानते थे डैड वैड को, बोले क्यों आए हो। मैंने बोला सर आपके यहाँ PMRY प्रधानमंत्री
रोजगार योजना में 1,00,000 रुपया मिलता है, उस टाइम मिलता था राइट, बिना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के, वो मुझे चाहिए। तो बोले क्यों चाहिए, मैंने बोला सर डेयरी खोलूंगा और हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। उसने बोला भल्ला जी, तो उनका नाम भल्ला जी। तो भल्ला जी ने बोला यार आप हेलीकॉप्टर खरीदोगे सर? यस। तो फिर उन्होंने डिटेल जानना चाहा, तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसे पीएमआरवाई नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी आप अपने फादर के साथ रहते हो, आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो मैं वहाँ पे उस टाइम सरपंच हुआ करते थे हमारे गांव में, उनके पास गया और उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि मैं अपने घर से अलग रहता हूँ। ओके। अब उसने डॉक्यूमेंट्स दिया, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया जमा किया। तो एक दिन बैंक मैनेजर बिना बताए मेरे घर आ गए, मेरे को बताया ही नहीं, मैं रोज जाता था। अब मेरे डैड सामने मिल गए, बोले अरे भल्ला जी कैसे? बोले आपके सुपुत्र ने तो 1,00,000 रुपए का पीएमआरवाई का वो लगाया हुआ है एप्लीकेशन, तो मैं स्पॉट देखने आया हूँ कि कहाँ वो डेयरी लगाएगा। अब उस दिन तो शाम को हमारी धुनाई हो गई, ठीक है कि आपने बिना पूछे ऐसे कैसे क्यों किया, और तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुम जाओ बाहर यहाँ से। तो मैंने क्या किया, फिर उस दिन ना नवभारत और देशबंधु में छोटा छोटा कॉलम में ऐड आता था नौकरी के लिए। ओके। तो मैंने, आज भी मेरे पास वो है, मैं लेके नहीं आ पाया, मैंने अपना एक सीवी बनाया कार्बन रख के, ठीक है, नीचे कार्बन रखा और कैपिटल लेटर में नेम अमित श्रीवास्तव, ये क्या क्वालिफिकेशन, ऐसा वैसा बनाया कार्बन रख के, और एक एड निकला था उसमें डाल दिया। उस टाइम पे रजिस्टर्ड पोस्ट ज्यादा पैसा लगता था, यूपीसी 2 रुपए में होता था अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ओके। तो मैंने भेज दिया, तो अब मैं डाल दिया उसको यूपीसी में, इंटरव्यू कॉल आया, मेरे डैड बोले तुरंत जाओ इंटरव्यू देने, इमीडिएटली। अब मैं इंटरव्यू देने गया, तो उस टाइम पे अपन यंग थे, आप लोग जैसे हैं, ऐसे टी शर्ट को ऐसे मोड़ मार के जो है पहुंच गए वहां पे, बिना गला वाला टी शर्ट चलता था सस्ते में जो स्ट्रीट में मिलता था, और एक जींस। तो इंटरव्यू देने गया, तो जो इंटरव्यू थे वो मेरे को पूछे आपको पता है ये इंटरव्यू किसका है? मैंने बोला हाँ मार्केटिंग का है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने बोला प्रोडक्शन। ऑनेस्टली, अरे यार तुम क्या बात करते हो, तुम मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू देने आए हो और तुम बोलते हो प्रोडक्शन में तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं बोला सर मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ आपको, बट यदि आप मेरे को मार्केटिंग में भी मौका देंगे तो आई कैन परफॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ही आस्क्ड मी मल्टीपल क्वेश्चन, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, ये वो बेसिक फंडा तब क्लियर था, अभी तो सब भूल गया हूँ। तो मैंने जवाब दिया, फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सैलरी कितनी चाहिए? मैंने बोला 2500 रुपए। उन्होंने बोला हाँ क्यों? मैं बोला 2500 रुपए मेरे को पास घर से कॉलेज में हर महीने आता था, इसलिए 2500 चाहिए। उधर तो बोले 2500 नहीं मिलेगा आपको, 1200 रुपए मिलेगा। Then I said I am not interested, thank you very much। मैं वापस चले गया घर। मैं जब गया तो क्या है, वैसे भी जिसके घर में माता पिता स्कूल में एजुकेशन में रहते हैं वो उनका घर बहुत डिसिप्लिन में रहता है। जाते ही साथ डैड का इंटरव्यू, हाँ क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने, नौकरी लगी कि नहीं लगी? तो मैंने बोला अरे 1200 रुपया बोल रहा है, कौन जाएगा 1200 रुपये? उन्होंने बोला 1300 रुपया मैं दूंगा, तुम जाओ, ठीक है, यू गो आउट, जस्ट 1300 रुपया हर महीने हम देंगे, तुम जाओ, ठीक है। तो आई ज्वाइन द जॉब, एंड मैं आपको बता रहा हूं मैं बहुत छोटी कंपनी में ज्वाइन किया, बाद में उस इटालियन कंपनी के लिए काम किया मैं। तो वहां पे ऑनेस्टली एवरी मंथ आई वॉज गेटिंग सैलरी इंक्रीज, एवरी मंथ, ओके, 1200 रुपए से अगले महीने कुछ ऐसा काम कर दिया तो अगले महीने इसकी सैलरी 1250, फिर 1350, ओके। और मैं एक किस्सा बता रहा हूं, तो ये तो चलते रहा वाई, और 3 साल में जिस बॉस को मैं रिपोर्ट करता था वो मेरे को रिपोर्ट करने लगा। क्योंकि मैं क्यों ऐसा था, मैं बता रहा हूं, मैं अपना काम, मैं अपना टारगेट पूरा कर लेता था, टेक्निकल मार्केटिंग था,
जाके लोगों को कन्विंस करवाता था। भिलाई स्टील प्लांट में साइकिल में गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद मेरे पास लूना थी 1750, उसमें जाता था मैं। फिर स्टील, फिर मैंने प्राइवेट प्लांट में जाना चालू किया। तो एक बार क्या हुआ, SR स्टील उस टाइम पे था, अभी MNS हो गया, आर्सेलर मित्तल ने ले लिया। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट का डेमो देना था मेरे को, राइट। तो मैं पहले पहुँच गया और प्रोडक्ट मैंने ट्रेन में बुक करवाया। ट्रेन में बुकिंग होती है एक बोगी में, उस बोगी में आपको खुलवाना है और अगले स्टेशन जहाँ का आप बुक करवाना है वो बुक करवाओगे, आपको वहाँ लेना रहता है। तो मेरे पास वहाँ 3 दिन से ये मटेरियल, मैं यहाँ दुर्ग स्टेशन में बुक करवा के चल दिया था और मटेरियल पहुँच ही नहीं रहा था। अब उस टाइम पे ना आपके पास फोन हुआ करते थे, ना ATM हुआ करते थे, ठीक है। व्हाटएवर यू आर कैरिंग दोस। तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं 180 रुपए के होटल में रुका था, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ अब यार, ये तो मटेरियल अभी तक पहुँचा नहीं है। देन आई वेंट टू स्टेशन, ठीक है, आई चेक डॉर्मेट्री, 30 रुपए में डॉर्मेट्री मिलता था, ओके। एक डॉर्मेट्री आप लोग जानते हैं, शायद आपके आज के बच्चे जानते नहीं होंगे डॉर्मेट्री। ऐसा हॉल रहता था स्टेशन में, उसमें लाइन से जो है बेड लगे रहते थे और एक छोटा छोटा अलमारी मिलता था, ठीक है। आप अपना सामान नहाओ धो, सामान पैक करो, जाओ अपना काम करो, फिर वापिस आओ। तो मैं डॉर्मेट्री में गया, वहां शिफ्ट हो गया। तो डॉर्मेट्री में भी एक पंगा, क्या पंगा है, आप तो 3 दिन पहले आए हो, टिकट दिखाना पड़ता था वहां आने और जाने का, ठीक है। और उस टाइम स्लीपर का रिजर्वेशन रहता था नॉन AC, तो वो डॉर्मेट्री में रहा। अब जब मटेरियल आया जिस दिन, उस दिन पता चला वो मटेरियल वहां से सूरत से आनंद में जाके उतर गया है, ठीक है, उस स्टेशन में। उस टाइम पे बाकी मटेरियल उतर गया, मेरा मटेरियल नहीं उतरा जो मेरे को SR स्टील में डेमो देना था। तो मैं वहां से आनंद गया एक लोकल ट्रेन में। और आप गुजरात में देखोगे बुलेट की एक गाड़ी रहती है और उसके पीछे केबिन लगा रहता है जिसमें सामान डाल के लेके आते हैं। उसमें डाल के मैं बुलेट वाले से, क्योंकि पैसे बहुत लिमिटेड थे, बुलेट वाले से रिक्वेस्ट किया। वो बोला भैया आप कैसे जाओगे, मैं बोला ट्रेन में जाने के लिए पैसा नहीं है, तेरे पीछे बैठूंगा। वो मटेरियल रखवाया और पीछे रख के लेके आया। देन आई वेंट टू SR स्टील, आई हैव गिवन डेमोंस्ट्रेशन एंड आई गॉट ऑर्डर। आपने सो गए, बचे हुए जो सेकंड्स होते हैं, एवरी सिंगल ईदर यू कैन यूटिलाइज और यू कैन वेस्ट, इट इज अप टू यू। सो व्हाट यू, एक इंसान क्या सोचेगा कि मैं हर एक पल, व्हाटएवर सेकंड्स ही इज गेटिंग, द एवरी सेकंड ईदर ही इज गोइंग टू यूज फॉर हिज ग्रोथ, फॉर हिज बेटरमेंट, फॉर हिज इंप्रूवमेंट। सो आई थिंक एवरीवन नोस अबाउट स्टीव जॉब्स, एंड ऑफ कोर्स ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, राइट। स्टीव जॉब एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बताया कि फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स व्हाट ही इज डूइंग, व्हेनेवर ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड थिंक लाइक दैट, हैड इट बीन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ व्हाट इज गोइंग टू डू। क्या उन्होंने जो प्लान बना के रखा हुआ है, हर दिन मिरर के सामने खड़े होते हैं, पिछले 30-35 साल से वो खड़े होते हैं और हर दिन ये सोचते हैं कि मैं जो प्लान आज के दिन के लिए बनाया हुआ हूँ, क्या वो प्लान उसी सेम डे में यूटिलाइज करूंगा, कि सेम डे सेम मतलब वो जो प्लान बनाया हूँ क्या वही मैं प्लान को फॉलो करूंगा, कि मैं प्लान को बदलूंगा अगर ये मेरा जीवन का आखिरी दिन है। तो उन्हें ऐसा, उनको ऐसा महसूस हुआ, नो आई एम गोइंग टू चेंज माई प्लान,
because that will be the last day of my life. So you have to do the same. You have to utilize your today. आज का जो दिन होता है उसे utilize करना होता है. There is 2 days in a year where you cannot, that 2 days you cannot do anything. That is yesterday and tomorrow. बीता हुआ दिन, जो बीत चुका है दिन वो, और आने वाला दिन, वो दोनों दिन आप कुछ नहीं कर सकते हो. कर सकते हो क्या? No. सिर्फ जो क्या कर सकते हो, आज का दिन, आज जो बैठे हुए हो, जो टेबल पे बैठ के लिख रहे हो, जो भी खाओगे अभी, जो टाइम इसके बाद घर जाके जो तुमको सेमिनार के बाद जो मोटिवेशन मिलेगा, यू कैन यूटिलाइज अ सिंगल सिंगल सेकेंड्स मिनट्स आर एवरीथिंग यू यूटिलाइज. तो 2 days इन अ ईयर, टू रिमेंबर दिस थिंग दैट 2 days इन अ ईयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो तुम्हें हर पल को यूटिलाइज करना है. इस वक्त भी क्या गाना याद आता है तुम्हें? हर पल ऐसे जियो जो कि आखिरी हो. यही होना नहीं आता है तुम्हें? अगर ये पता होगा कि आखिरी दिन है तो ये पूरा पूरा यूटिलाइज करोगे. तो मुझे पता है तुम पब्लिक स्पीकिंग सेशन में हो फ्रॉम लास्ट वन डे. यू माइट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, बट यू आर नॉट हियर टू टू एड्रेस अ मैसिव क्राउड. आई डोंट थिंक दैट एनीवन इज हैविंग दिस हैविंग हॉबी दैट यू आर गोइंग टू एड्रेस अ मैसिव क्राउड. यू आर बी हियर द पब्लिक स्पीकिंग मींस दैट whether you are talking to 2%, you are addressing a very small crowd or you are addressing a massive crowd, you have to be public speaker. How public speaker? You imagine that how you are going to hold or capture the attention when you are conversation, when you are in a conversation, when you are on the stage without using a word, how you are going to capture the attention? Can anyone tell? Is about the body language. पूरे ओवरऑल कॉन्वर्सेशन में 7% जो होता है वो वर्बल, जो हम भाषा यूज करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं. 38% इज अबाउट द वोकल, जो इंटोनेशन, पिचेस एंड पॉजेस जो आपके स्पीकर जो है सर, राइट सर, बेहतरीन स्पीकर, आई एडमायर हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट. तो कैसे पिचेस एंड पॉजेस यूज करते हैं, that is very important, and 55% is about the body language. So 5 body language is very important when you are on the stage or when you are talking to other person. That is first one is, I'm talking about a very in a short kind of quickly I'm going to revise your review or revise you or remind you or review. One is smile. लीडर, करेक्ट. पहला इट इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ बिकमिंग अ लीडर. अगर आप लीडर बनना चाहते हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, योर पब्लिक स्पीकिंग इज पुअर, तो थोड़ी प्रॉब्लम, राइट. नेक्स्ट वन, सो आप दिस डू बी एग्री दैट पब्लिक स्पीकिंग इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन लाइफ? यस सर. ये क्या बता सकते हैं? कुछ सीमित लिमिटेशन में बोलना, lack of confidence, hesitation, nervousness, fear, scared, stumbling in the speech. Okay, so basically आपने सब कुछ जो बोला है वो मिला करके बनता है ये, stage fear बोलते हैं.
या अरे बता रहा हूं सर अगला अगला ये भी वर्ल्ड में नंबर 1 डर जो है वो है स्टेज पे खड़े होकर बोलना या पब्लिक के सामने खड़े होकर के बोलना। घर से तैयारी पूरी करके आते हैं मगर फिर भी यहां आकर के जुबान फिसल जाती है, लड़खड़ा जाती है या बाहर ही नहीं आती है, अंदर ही अटक जाती है। करेक्ट। तो इस बात से कैसे निकले इसकी थोड़ी बहुत बातें आज करेंगे, बीच बीच में और भी दूसरे काम करते रहेंगे। सो नेक्स्ट वन प्लीज, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी रीजन क्या होते हैं, ये जो आके डर लगता है ना इसके क्या क्या रीजन है थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, तब तक आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज कि डरते रहेंगे और जाएंगे नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कैसे, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए स्टेज पे बोलने पे डर लगता है और डर लगता है इसलिए एक्सपीरियंस हो भी नहीं रहा है। तो पहली चीज क्या करने का, सॉल्यूशन भी साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली चीज ये करनी कि जब तुम्हें मौका मिले तब स्टेज पे चढ़ जाओ। आज यहां 60-70 लोग हैं, सुबह से सेशन हो रहा है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ बात बोलने के लिए स्टेज पर आने को या वहां खड़े होकर कहने को कहा गया होगा और आप अगर उनमें से थे जो नहीं खड़े हुए तो अगली बार कोशिश करना कि आप पहले खड़े हो, क्या होगा गलत बोलोगे बुरा बोलोगे, यहाँ पर कोई डांटने वाला तो है नहीं, तो अगर डांट भी दिया कि ऐसा क्यों नहीं किया या पूछ भी लिया कि ऐसा क्यों नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है, सीखने आए हो ना, सीखने आए हो ना, तो सीख के जाओ। सिचुएशनल कम्युनिकेशन, सिचुएशन के हिसाब से बात करनी होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लास्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे होता क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम लाइफ में चेंज ला सकने वाली चीजें हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, अच्छा बाद में बात कर लूंगा या अच्छा नहीं पूछता हूं। नंबर 2, पुअर कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन में पुअर रह जाते हैं। नेक्स्ट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली आपकी आप बात नहीं करते, स्टेज पे नहीं जा पाते, इसका इफेक्ट हर जगह दिखाई देगा, आप हर जगह कॉन्फिडेंस में कम रहेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना कौन सा काम हो सकता है, कोई समझ नहीं हो सकता, और आप कम्युनिकेट ठीक से कर नहीं पाते तो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपसे कम टैलेंटेड इंसान अगर ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के छूटने का चांस है क्योंकि आप उस समय बोल नहीं पाए जब बोल रहे। हर मेरी बात को स्वीकार कर लेते हैं, कई जगह जब गलत होता हूं तो गलत को बताते हैं, कई जगह ये गलत होते हैं तो इनके गलत पे बातचीत होती है, कई जगह हम डिस्कशन करते हैं कब समाज सेवा करना है कब कहां क्या करना है, ये है पूरा दोस्ती का डेफिनेशन। फजल भाई, अगर आप इन बच्चों को बताओगे तो आपसे सीखने के लिए, आज तक हम लोग सीखते हैं आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ आप अपने बारे में बता दोगे वही उनके लिए एक रिवार्ड अवार्ड आज होगा। दोस्त खुद आदमी चुनता है, इसलिए दोस्ती की और दोस्त की इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए क्योंकि ये आपके सुख दुख में आपके परिवार के छोड़ देने के बावजूद भी खड़े रहने वाले लोगों में से रहे। और 3 होर्डिंग से आज 200 होर्डिंग करीब हमने कर ली क्योंकि हम रायपुर जाके काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ग्रुप लाइन में अपने आप को सेट किया क्योंकि मेरे बड़े भाई आर्किटेक्ट हैं, घर में कोई हैंड नहीं है तो हम बाहर जाने का, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई जो मुकद्दर में होगा वो यहीं चल के आएगा, इसलिए परेशान मत हो। क्योंकि जब मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला महिला बाल विकास विभाग का और मुझे दंतेवाड़ा, बीजापुर, उसूरपुर, कोटा, भोपालपट्टनम में जो डेंस नक्सलाइट इलाका है वहां पर होर्डिंग लगाने का काम मिला, तो मैं यहां से ट्रक में होर्डिंग डलवा के बैसाखी में था, एक जीप में रेंट पे जीप लेके एक आदमी के साथ गया और ट्रक में लेबर लोग थे, मैं 2.5-3 दिन में वो पूरी होर्डिंग लगा के जब कलेक्टर दंतेवाड़ा के पास बिल देने गया तो वो मुझे देख के कि यार ये एक आदमी बैसाखी में आया है और ये बोलता है कि मैं 2.5 दिन में पूरी 12 होर्डिंग लगा के आ गया हूँ, तो मुझे घर पे खाने पे इनवाइट किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो बड़े बड़े सुरमा लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं नक्सलाइट इलाके में और तुम तो इस हालत में जाके लगा दी। मैं बोला सर ये हमारा काम है, हमारे को उनसे कोई बैर नहीं है, इसलिए हम सक्सेसफुली करके आ गए। तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे रायपुर ड्रॉप करवाया, तो ये उनका बचपन।
आपको और आगे बताऊं, मुझे जगदलपुर का टेंडर मिला तो मेरे को भगवान मेहरबान होता है तो आपको दौलत से नवाजता है, जब भगवान और मेहरबान होता है तो दौलत के साथ इज्जत देता है, और जब मेहरबान और ज्यादा मेहरबान होता है तो दौलत इज्जत और शोहरत देता है। तो ये आपको भी बोलने के लिए सबसे जरूरी है सुनना, जो कि तुम हो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, जितने बच्चे बैठे हैं गुड लिस्टनर, लेकिन गुड लिस्टनर के बाद में सीधे ना बाकी लोग जैसे मिले जाऊंगा, सीधे लास्ट पॉइंट में चलो, क्या है लास्ट पॉइंट? नहीं, उसने गलत लिखा है, क्योंकि वो गुड लिस्टनर नहीं था जो बना रहा था, वो क्या लिखा, झेल बात करो सुनो लिखा। कई तुम्हारे दोस्तों में कई पहचान में देखना बहुत चाटू होते हैं, चाटू जाते हो, चाटू को जिनको कोई सुनना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, जैसे यार में पहले से मतलब उसको देखते हो और चेहरा बन जाता है, ऐसा होता है आप लोग साथ ही नहीं होता था, ऐसा सबके साथ एक दो तो मिले होंगे, कई जन के घर में रिश्तेदार लोग भी कई घर के घर में मतलब समझ रहे बात का, तो कई जन के घर में पेरेंट्स ही है जो डेढ़ दो घंटे तक लेक्चर देते हैं, मुझे नहीं मालूम सर, डिफरेंट डिफरेंट घर की बात कर रहा हूँ, और इसमें लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो कोटा कंप्लीट है, बीच का छोड़ दिया हूँ, बीच वालों का सीन मेरे को पसंद नहीं आता था, क्योंकि बीच के लोगों को बड़ी मुश्किल से जाकर के अभी सम्मान मिल रहा है, दो रेट होता ना, मैं तो हर चीज बोलता दुनिया में तीन बनी आदमी आदमी, तो साइंस वाले साहब ने बोला था आदमी तीन शब्द से बना, नहीं ना आ का मात्रा लगा है, मी का लगा है, गुरुवर पे बात कर रहे, आदमी तो आदमी हो ना, हर चीज तीन है, आदमी औरत देखो तीन है, लड़का तीन है, लड़का टीचर को ले आया था, बड़ा नहीं था, गुड भैया अच्छा लग रहा है, एवरेज है, पुअर, अब पुअर पे भी जबरदस्त एग्जाम परफॉर्मेंस दिया, टीचर को मेंटेन दिया वेरी पुअर, उससे भी जबरदस्त एग्जाम परफॉर्मेंस दिया वेरी वेरी पुअर, ठीक है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर ना, तो कई जन को देख करके आप इंग्लिश वाले गुरु जी इधर पढ़ाए बहुत अच्छे से, सही घटना बता रहा, हमारे इंग्लिश की क्लास चलती थी, एक अमेरिका रशिया की मैडम आई हुई थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को, पढ़ाई तो मस्त पढ़ाई, पुअर उवर करके ऐसा करके ना, इसके बाद अकाउंट की क्लास लगी, मैं टिक किया है ना, टिक करके लिखा वेरी पुअर, तो उसको दिखा रहा हूँ किसका मतलब समझता है, बोले जी सर क्या रे मैं बहुत बहुत गरीब हूँ, तो फिर सुनो बात आदमी अपने हिसाब से सुनता है, इतनी भी चीजें बनी है ना, सब तीन तो अपन क्या पता, गुड लिसनर सेकंड जो बात बोला ना इंटरेस्टिंग है, क्या बताऊं भी बहुत ऐसा हो रहा है वैसा, चाटू टाइप बात कौन रहेगा, खुद की गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चल जाए, ठीक आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना ना, ठीक, तो जब कभी किसी से बात, बहुत लिसनर बार बार रिपीट करो, सुनने की आदत डालो, और अच्छा दोस्त बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने आना, उसकी बात सुनोगे अच्छे से ना तो रिप्लाई अच्छे से करोगे, टीचर पढ़ा रहा है अच्छे सुनोगे ना समझ में ज्यादा आएगा, समझ में ज्यादा आएगा परफॉर्मेंस, हर दिन क्या बनता है गुड लिसनर, गुड लिसनर बनेंगे साथ में जब बात करें क्या बात करें इंटरेस्टिंग बात, ठीक, ऐसा नहीं झेल टाइप बनी, क्या हुआ था मेरे घर में ना, मेरे भाई की जब शादी हो रही थी तो सब हम लोग मिल करके क्या किए, जूता चुरा ली, ना तेरे भाई को मैं जानता, ना बहन को जानता, ना जूता को जानता, क्या चुरा ली उन्होंने बता देता सुबह, दोस्त बहुत बड़ी चीज है, दोस्त अगर अच्छे चुन लिए ना करियर बन गया, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मामले में मैं किस मतलब एक नहीं निकालना, ऐसा तो वैसा वो भी जरूरी, लेकिन जब अच्छे लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो कभी भी आप सेंसलेस बात नहीं करना, बीच में कौन डेवलप बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं, तो आप जैसे कई जन को बुलाता हूँ कैसे चाल चाल में ही एक समझ लो बात, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सामने कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक आगे बढ़ाओ, एक और बस स्लाइड है, ये कौन सा है, इसका वादा था मेरे से कि आपको बताऊंगा मैं, पहला वॉक, वॉक चलिए पांच छह लड़कियां खड़ी हो जाओ, फूस फूस करके मारेगा तेरे को क्या करता है, अब परफ्यूम में तो इंटरेस्ट ले लिया, रुक गया फूस फूस मार देगा, गलत दिखाएगा, सस्ता है ये है वो है, तेरे को पसंद आ गया मान ले, तो घर में क्या कहता,
अब तू खरीदेगा एक परफ्यूम। उसका थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक है, एकदम पता चला कि रुमाले चड्डी बेच रहा है, एक के साथ एक फिर, ठीक, मतलब तू खरीदने गया है शर्ट, लेके आ गया दो तो चड्डी, एक तो परफ्यूम, एक तो मुंह में लगाने वाला क्रीम, गए थे कुछ ले आए कुछ। और कई बार 80% कैसे देखना, फालतू की चीज ला करके हम लोग यूज नहीं करते, ये तुम लोग को अनुभव होगा, फालतू की पॉन्ड का प्रोडक्ट तक लोग निकाल देते हैं, बॉर्डर भी खुशबू वाली साबुन तक निकाल देते हैं, क्या करेगा साबुन का नहीं मान, ठीक। अपन क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर नहीं था, अपन को चाहिए क्या, इस वजह से मेजर प्रॉब्लम होता है, पढ़ना है तो पढ़ना है, इसका ये करना है तो ये करना है, उसमें कोई बीच मिले नहीं लोग यार, किसी भी जगह जाओ तुम बिग बाजार या किसी दुकान में जाते हो खरीदने के लिए, देखा कितनी सारी दुकानें लगी रहती है, कहां की लगी रहती है, ये लेती है निपटाऊं, ये लेती है निपटाऊं, ये बेटर वही है ना, एक आदमी आया उसको तीन चटकाऊं, एक आदमी आया तीन चटकाऊं, वही है ना बेटर, ठीक, तो वो तो करेगा ही करेगा। तो आपको ये सोचना है कि क्या रिक्वायर्ड है, अगर मान लो ठीक है व्हाइट शर्ट खरीदना है, वो बताया कि ये व्हाइट शर्ट के अंदर पूरा आपका अंदर का बदन दिखेगा, तो अंदर एक ठो बनियान भी खरीद, तब ये बनियान खरीद रहे समझ में आता है, जब बदन भी खींच नहीं रहा है तो व्हाइट शर्ट पे काम चला। थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, और एक लाइन प्रवीण सर हमेशा बोलते हैं कि राय सर ज्ञान का सागर है, तो हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम उसमें से कम 3-4 चम्मच को निकालें। थैंक यू सर। ये मेरा पहला पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप था और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सर ने, मैम ने, अविनाश मैम ने छोटे छोटे एक्टिविटीज कराए, वो सबसे हमें बहुत मोटिवेशन मिला और हमारा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। थैंक यू। राय सर ने जो कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कराई थी वो बहुत यूजफुल थी और उससे ये समझ में आया गुड कम्युनिकेशन कुड गो अलोंग विद। थैंक यू। मतलब अटक जाते हैं लेकिन सबने आप सपोर्ट किया, कोई हंसा नहीं, तो मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मॉर्निंग में प्ले करता है हमारे लाइफ में और सीरियसली इतना आसान नहीं होता इसको बिल्ड करना, अपने फियर से ओवरकम करना। सर ने जितने जॉयफुल तरीके से और जितने आसानी से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, सीरियसली सर वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण सर स्पेशली बिकॉज ही रियली फोर्स मी टू कम हियर एंड इट इज रियली वर्थ कमिंग हियर। थैंक यू सो मच सर।